वॉचिंग माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर बतूल अशरफ ऑफिशियल। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, निहारी पाए और सारे मुरगन गज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। लेकिन सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, हम अपना मेटाबॉलिज्म किस तरह ऊपर रख सकते हैं और इसको किस तरह बढ़ा सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज, आज की वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि इससे दूसरों का भी फायदा हो सके। मेटाबॉलिज्म हमारा अंदरूनी जिस्म का वो प्रोसेस होता है जिससे हमारे ना सिर्फ एंजाइम्स हार्मोन्स कंट्रोल रहते हैं, बल्कि ये हमारी बॉडी की एनर्जी के लेवल के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हम मुरगन गज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ बॉडी में फैट अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है, फैट जमा होना शुरू हो जाता है, बल्कि वो फैट हमारे दिल के अतराफ, गुर्दों के अतराफ और लिवर के अतराफ जमना शुरू हो जाता है। जब इसकी जमने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसी वक्त हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अगर हम उस वक्त मेटाबॉलिज्म को अच्छे लेवल पर रखेंगे, हायर लेवल पर रखेंगे, तो ये सब कुछ नहीं होगा। अब ये सब कुछ ना हो उसके लिए सिर्फ एक ड्रिंक सुबह निहार मुँह पीने की आदत बना लीजिए, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही रहेगा और एक्सरसाइज किए बगैर आप अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन कर सकेंगे, इस लेवल पे मेंटेन कर सकेंगे कि जिस लेवल पे चर्बी ना जमे। इस चर्बी को जमने से रोकने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है एक्सरसाइज डेली बेसिस पे मेंटेन करना। वो लोग जो बैंक्स में काम करते हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है रात का ट्रैफिक और सब कुछ। इसलिए कोशिश कीजिए कि ये ड्रिंक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, सुबह इसको पीने की आदत डाल लीजिए। इससे ना सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे लेवल पर रहेगा, बल्कि आप अंदर से हेल्दी भी रहेंगे, स्मार्ट भी रहेंगे, दिमाग भी अच्छा काम करेगा और मेटाबॉलिक रेट भी आपका अच्छा रहेगा। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल होंगी? इसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ग्रीन टी। ग्रीन टी ना सिर्फ मेटाबॉलिक रेट को अच्छा रखता है, बल्कि फैट को भी आपके रिड्यूस करता है, अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी बढ़ाता है। इट्स अ बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जो कि शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखता है और फ्री रेडिकल्स को भी तोड़ने में बहुत हेल्पफुल होता है। जब फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में नहीं होते, जो ख़राब मादे होते हैं, वो खुद ब खुद आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। ग्रीन टी के साथ साथ हम यूज़ करेंगे सिनेमन। सिनेमन, सिलोन सिनेमन अगर आपके पास मौजूद हो तो सिलोन सिनेमन यूज़ कीजिए, जो कि बॉडी के अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस करता है जिससे मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा रहता है और आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, यानी भूख आपको बहुत एतदाल में लगेगी। और जब आपको भूख एतदाल में लगे तो आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, सब्जियों का इस्तेमाल अच्छा कीजिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल अच्छा कीजिए। और जब आपका ये आप अपनी बॉडी में डाइट का इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो आपके इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करेगा। सिनेमन ना सिर्फ इंसुलिन लेवल को बैलेंस रखता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी बहुत बूस्टिंग इफेक्ट देता है, चर्बी को जमने नहीं देता और एपेटाइट को नीचे रखता है। जितनी भी क्लॉग आर्टरीज होती हैं उनमें से सारे ख़राब मादे को रिमूव करेगा और रिमूव करने के बाद फैट को तोड़ने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए यह मेटाबॉलिक रेट को एतदाल में रखता है, हायर लेवल पर रखता है। इसलिए इसका ग्रीन टी के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। ये जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ आपने इन दो चीज़ों के साथ आपने 1 टीस्पून जो है क्लोव के डालने हैं, लौंग के, या आपने पानी में डालकर आपने बॉयल करना है। अगर 1 गिलास आप पानी ले रहे हैं तो आपने इस हद तक बॉयल करना है कि वो हाफ रह जाए और फिर सुबह इसको निहार मुँह आप ले लीजिए। लेने के बाद आपने नॉर्मल 15 से 20 मिनट के बाद नाश्ता कर लेना है। नाश्ते में हैबिट बनाइए कि हेल्दी नाश्ता हो, जिसमें अंडे शामिल है, ओट्स शामिल हैं, नट्स शामिल हैं। इस तरह के नाश्ता करने की हैबिट बनाइए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अंदर से तेज़ी से वर्क करे और आपको
चर्बी जमने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ना हो, या फैट एक्युमुलेशन आपकी बॉडी में कम से कम हो। इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। एक दफा सुबह निहार मुंह पीने की आदत डालिए और फिर इसको जब आप रूटीन में शामिल कर लेंगे, आप डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, लिपिड आपका जो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत आपको नहीं होगी, शुगर मेंटेन रहेगी, इंसुलिन मेंटेन रहेगी, हार्मोन बैलेंस रहेंगे, और फिर आप वो फूड शामिल कीजिए जो उनमें होल ग्रेन्स हो। होल ग्रेन्स विथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी जब आप पियेंगे तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद लेवल रहे में रहेगा। इन चीज़ों को आदत बनाइए, अपनी लाइफ रूटीन में शामिल कीजिए। अगर एक्सरसाइज करना आपके रूटीन के लिए बहुत मुश्किल है, सिर्फ ये एक गिलास आपको देगा अंदर से एनर्जी, तवनाई और हाई मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के लिए, हमारी सबकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसको ज़रूर अच्छा रखिए। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हम हर वो बीमारी का शिकार होंगे जो आजकल बहुत कॉमन है, लाइक ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और डायबिटीज, अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।